हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों, आज की डेट है 15 फरवरी ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे रिसेंटली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो है सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे यहाँ पे अटैक हुआ है, जिसके संदर्भ में ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 37 हमारे जो यहाँ पे जवान है तो वो शहीद हो गए हैं और कुछ लोग यहाँ पे इंजर्ड भी है। तो आपको यहाँ पे उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन उन सबको यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आज का कोट है, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। तो ये जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पे आप इलेक्शन को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, तो वो जो है एक काफी पावरफुल वेपन है कंपेयर टू द बुलेट्स। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर आप यहाँ पे डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है ज्यादा एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा कंपेयर टू द बुलेट्स विच हैव बीन यूज्ड। अब बात करते हैं एडिटोरियल पेज की। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल आया है, ये भी जो सीआरपीएफ के कन्वॉय पे जो अटैक हुआ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पे, तो उसके बारे में डिस्कस किया कर रहे हैं। नीचे वाला जो आर्टिकल है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि दो इंपॉर्टेंट जो बिल थे, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिपल तलाक का एक बिल था, काफी प्रोग्रेसिव था, लेकिन उसमें जो क्रिमिनलिटी का जो यहाँ पे क्लॉज था, इस वजह से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन वो बिल भी अब लैप्स हो गया। किसके साथ? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के साथ। तो दोनों चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो सेंटर में आर्टिकल आया है, ये बता रहा है कि वेजेस और जॉब्स में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है जो रिलीज नहीं किया गया है एनएसएसओ के द्वारा, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जो है इंटरफेयर किया है। उसी के साथ साथ यहां पे बताया जा रहा है कि हमें जॉब्स और वेजेस को यहां पे जो है कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को जॉब्स की जरूरत है उनके पास जॉब्स है, लेकिन उन लोगों के पास सेम अमाउंट ऑफ वेज यानी कि जो उनके यहां पे इनकम है वो नहीं है जो जितना वो चाहते थे। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि लोगों को उनके जो मनचाहे अगर इनकम मिले, तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करने की जितने भी एमएसएमईज है हमारी कंट्री में, तो उनको यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट देने की जरूरत है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, ऑलमोस्ट समवेयर ऑन 40% जो हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर पे इनकम जो है वो अभी भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो अगर हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू इनकम सपोर्ट, या फिर जो हम यहाँ पे स्कीम चला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कालिया स्कीम हो सकता है, यहाँ पे रई तो बंधु स्कीम हो सकता है, अगर उसे ठीक से इंप्लीमेंट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो कहीं ना कहीं हम उनकी भी जो है इनकम को यहाँ पे जो है डबल कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो जॉब्स और जो वेजेस है वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास स्किल कैसे हैं। तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है वो तभी इंप्रूव होगी जब यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी को यहाँ पे इंप्रूव कर सकता है। इसके लिए जरूरत है कि आप नए नए जो स्टार्टअप्स उनको यहाँ पे एम्पावर कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको यहाँ पे बूस्ट देने की कोशिश कीजिए इवन रूरल इंडिया में। नीचे वाला जो आर्टिकल है, यहाँ पे बेसिकली कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा था कि स्पीकर उन्होंने यहाँ पे ब्राइब किया है, ताकि उनको ब्राइब किया ताकि यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं तो उनको यहाँ पे जो है एंटी डिफेक्शन के लॉ के अंतर्गत इन्हें बाहर निकाल दिया इसके। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। तो इस लॉ के अंतर्गत यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एमपीज और एमएलएज को। अब आपको समझना ये है कि आपको किस ग्राउंड पे यहाँ पे निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए आपने वॉलंटरी अपना जो मेंबरशिप है उसे गिव अप कर दिया है, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। और मान लीजिए आपका जो पार्टी का विप होता है कि आपको एक तरीके से बेसिकली वोट करना है, तो अगर आपने उसके काउंटरी वोट कर दिया तो आपको बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। और उसी के साथ साथ एक और चीज होती है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीत के आया है, अगर वो बाद में ज्वाइन कर लेता है किसी और पार्टी को इलेक्शन के, तब भी उसको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर 6 months, तो तब भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जितने मैंने आपको केसेस बताए हैं, ये डिसाइड करता है यहाँ पे चेयरमैन या फिर स्पीकर। अब उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू भी किया जाता है उन सारे चीजों पे। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसका एडवांटेज ये होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ पार्टी को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, जो डिसिप्लिन होना चाहिए पार्टी में उसको भी मेंटेन किया जा सकता है इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत। लेकिन कहीं ना कहीं मेंबर्स की जो अपनी फ्रीडम है वो जो है कहीं ना कहीं जो है कर्टेल हो जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट बिल पे डिस्कशन हो रहा है और आप थोड़ा सा डिसेंट करना चाहते हो क्योंकि आपके पास वैलिड पॉइंट्स है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे विप ने बोला है कि आपको वोट करना है तो आपको उसके फेवर में ही वोट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल फ्रीडम है मेंबर्स की वो जो है इफेक्ट हो जाती है।
अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल जो नेक्स्ट पेज पे आया, यहाँ पे बता रहे हैं जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उस पर भी एक लक्ष्मण रेखा होती है, आप उसको पार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जब भी कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे रफेल डील हो सकता है, यहाँ पे ट्रिपल तलाक हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, तो यूजली जो ऑपोजिशन है या फिर मान लीजिए प्रेजेंट गवर्नमेंट भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर जब यहाँ पे अटैक करते हैं तो बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे चौकीदार यूज कर देंगे, यहाँ पे बिट्रेयर यूज कर देंगे, ट्रेटर यूज कर देंगे, उन्हीं का मतलब अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में आपको एक पर्टिकुलर लक्ष्मण रेखा ऐसे मेंटेन करने की जरूरत है और आप ज्यादा जो है एक सभ्य भाषा में ही बात कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों को यहाँ मेंटेन करने की बात करी जा रही है इस आर्टिकल में। उसके बाद राइट साइड पे जो आर्टिकल है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मिनिमम वेज के बारे में। तो यहाँ पे पूरा जो आर्टिकल है इसलिए आया है क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला था कि यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मिनिमम वेज प्रोवाइड करेंगे हर यहाँ पे जो पुअर इंसान है, लेकिन उसमें कुछ इनहेरेंट डिफॉल्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बावजूद उसे सॉल्व करने की क्या कोशिश हो सकती है काफी अच्छे से एनालाइज किया गया इस आर्टिकल में, तो उसे डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह पोएट्री के बारे में है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम एक कंट्री को डिस्कस करते हैं एल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आज की कंट्री का नाम है बल्गेरिया। बल्गेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, आपको यहाँ पे यूरोप में नजर आएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टच करता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को, इसके ऊपर देखेंगे आप रोमेनिया है, यहाँ पे सर्बिया है, कोसोवो बेसिकली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है, और नीचे आप मैसेडोनिया देखेंगे, ग्रीस देखेंगे, टर्की देखेंगे। उसके साथ साथ अगर बल्गेरिया के कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी कैपिटल मिलेगी सोफिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसकी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बाल्कन माउंटेन्स नजर आएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे रोडोपे माउंटेन्स, और उसको अगर यहाँ पे बॉर्डर की बात करेंगे तो कंप्लीटली बॉर्डर होता है ये दानूबे रिवर के साथ, देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगर आप उसका बर्ड आई व्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका देख सकते हैं। आसपास की कंट्रीज आप फिर से देख सकते हैं, कोसोवो मैंने आपको बताया कि ये एक अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है इस वक्त, उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको दिखाई ये जो इस्तांबुल है काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये दोनों ही जगह पे आता है यूरोप में भी और यहाँ पे एशिया में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वे डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट नेम्ड एज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये हमने दिसंबर के महीने में डिस्कस किया था क्योंकि ये तभी बता दिया गया था, तो ये जो बनाया जा रहा है ये बनाया गया है झाझर में जो कि है हरियाणा में। अब यहाँ पे जो सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो अटैक हुआ है सीआरपीएफ के कन्वॉय पे, तो यहाँ पे जो पूरी जो यहाँ पे प्लानिंग की गई थी ये की गई थी जैश ए मोहम्मद जो कि वर्क करता है अंडर मसूद अजहर। मसूद अजहर बेसिकली एक टेररिस्ट है जिनको हम यहाँ पे घोषित करना चाहते हैं इवन यूएन में, लेकिन चाइना जो है बार बार उसे ब्लॉक कर रहा है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है, इसी वजह से जो है ये हमारा जो कोशिश करें कि मसूद अजहर को यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट बनाने की, तो उसे यहाँ पे चाइना हर बार ब्लॉक कर देता है। और अगर बात करेंगे जैश ए मोहम्मद की तो ये वही ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे उरी का भी अटैक किया था, पठानकोट वाला भी अटैक इन्होंने ही किया था। अब एक और चीज आपको ये समझनी है कि जहां पे कोशिश ये करनी है कि जम्मू कश्मीर वैली में इसे माना जा रहा है कि इस बहुत ही बड़ा अटैक है पिछले 3 डिकेड्स में, तो इसी वजह से माना जाता है कि कहीं ना कहीं समझना ये कि वैली में अगर हमें यहाँ पे पीस की जरूरत है तो जितने भी लोग बिलीव करते हैं कि मिलिटेंसी से यहाँ पे पीस आने वाला है तो उनको यहाँ पे कन्विंस करने की जरूरत है, और जो कन्विंस नहीं होते हैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देने की जरूरत है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जो यहाँ पे हाईवे का इस्तेमाल किया गया था वो एक ही एकमात्र ऐसा हाईवे था जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा सीक्रेटिव नेचर नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर बहुत सारे लोग डाउट उठाते हैं। लेकिन एक चीज आपको ये समझनी है कि कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास इतना ही एक पूरे स्कॉर्पियो में इतने सारे यहाँ पे अगर एक्सप्लोजिव्स है तो ऑब्वियसली बात है आपको लोड करते टाइम किसी ने देखा क्यों नहीं, आप यहाँ पे लेकर घूम रहे हैं तो कोई चेकिंग क्यों नहीं हुई, तो इसी वजह से जो है इंटेलिजेंस पे भी सवाल उठाया जा रहा है। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट बिल जो कि लैप्स हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये जो बिल है लोकसभा में पास हो जाते हैं लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाते हैं वेडनेसडे से पहले, तो ये जो दोनों बिल है वो एक्चुअली लैप्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो दो बिल के बारे में बात करें, सबसे पहले तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016 और दूसरा यहाँ पे ट्रिपल तलाक के लिए जो बिल बनाया गया था, तो यहाँ पे कोशिश ये कर रहे थे कि ये पास हो जाएगा लेकिन राज्यसभा में इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। और आपको एक और चीज समझनी ये है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले कॉन्ट्रोवर्सी सिटीजनशिप बिल में ये था कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट दे रहे थे सारे रिलीजन को एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम ज्यूइश एंड एथिस्ट कि अगर आप आ रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान या बांग्लादेश से तो आपको आसानी से सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता मिल जाएगी हमारी कंट्री में। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है एथनिक लाइंस में बहुत सारे फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी वजह से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। इसी वजह से जैसे ये जो बिल लैप्स हुआ है तो काफी ज्यादा सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। एक और चीज अब बात करेंगे हम ट्रिपल तलाक की, तो ट्रिपल तलाक के बिल की बात करेंगे तो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है यहाँ
पे कहीं ना कहीं हम यहाँ पे वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सिविल यहाँ पे क्राइम को जो है एक क्रिमिनल लॉ की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो उन्हें जेल में भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं हो रहा है। इसी वजह से जो है इसका जो बिल अगर लैप्स हो जाता है तो नई जो पार्लियामेंट आएगी तो कोशिश उन्हें ये करनी है कि एक ऐसा लेजिस्लेशन या लॉ बनाना है जो कि एक सही मात्रा में जो है यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड कर सके इवन इन केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखी हुई नजर आ रही है वो है कंक्लूजन पार्ट में कि कौन से वो लेसन है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लैप्स ऑफ बिल से। पहला लेसन ये है कि अगर आपके पास मेजोरिटी है तो उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे क्रिएटिवली एंगेज करने की जरूरत है अपोजिशन के साथ ताकि आप और जो अपोजिशन है जो कंसेंसस बना के रखे हर लेजिस्लेशन पे। एक और चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि कंसेंसस बिल्डिंग जो है काफी टफ प्रोसेस है लेकिन एक मैंडेटरी और एक एसेंशियल प्रैक्टिस है किसी भी डेमोक्रेसी में, तो उसको मेंटेन करना काफी ज्यादा जो है जरूरी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की जो है मिनिमम इनकम गारंटी फॉर पुअर। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे पावर्टी से बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम की बात कर रहे हैं ताकि जो हंगर है जो पावर्टी उसे रिड्यूस किया जा सके। तो उसी को एनालाइज करते हुए यहाँ पे जो ऑथर है वो लिख रहे हैं कि आप सबसे पहले सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो है ये पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो इतना रिलायबल नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि एग्जिस्टिंग जो सोशल सिक्योरिटी हम जो स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पे हम जो सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज है मतलब ये जो पैसा हम देने वाले वो कहाँ से आने वाला है उस पर भी बहुत ज्यादा डाउट अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फूड सब्सिडीज है, आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो फूड सब्सिडी देते हैं अगर आपके यहाँ पे राइस चाहिए वीट चाहिए तो वो सब्सिडाइज प्राइस पे ऑलरेडी दिए जा रहे हैं तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आप किसी भी स्कीम की बात करते हैं जिसकी अगर बात करें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तो आपको कोशिश ये करनी है स्टार्टिंग में कि आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स को कभी भी सब्स्टिट्यूट ना करें, आप उसके ऊपर ऐड ऑन दे सकते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूट ना करें। एक और चीज यहां पे बताई जा रही है कि हम मॉडल फॉलो कर सकते हैं राइटो बंदू का या फिर जो कालिया स्कीम का जिसके अंतर्गत हम यहां पे इनकम ट्रांसफर बेस कर रहे हैं कल्टीवेबल लैंड की, आपके पास कितना कल्टीवेबल लैंड है। लेकिन इसमें भी एक बेसिकली एक फॉल्ट है, फॉल्ट ये कि उन लोगों का क्या होगा जो बेसिकली उनके पास लैंड नहीं है लेकिन वो लोग टिलर है किसी और के लैंड पे तो उनको जो है इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो उनके लिए भी एक नए मैंडेटरी चीजों को लाने की जरूरत है। और यहां पे अगर बात करेंगे आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो उनकी एज जो है 50 से ज्यादा ऊपर है, अब उनको पेंशन देने के लिए जो है वो रिसोर्सेज कहाँ से आने वाले हैं उन पे भी जो है अभी भी डिस्कशन नहीं किया गया है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो मनरेगा की स्कीम है उसे यहाँ पे एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं क्योंकि यूजुअली मनरेगा में जो यहाँ पे काम दिया जाता है वो इतना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट नहीं दे पाता है, लेकिन उसकी कोशिश ये कर रहे हैं कि मनरेगा के अंदर वो सारे काम लेकर आएंगे जिससे जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्कूल बनाने का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे विलेजेस में यहाँ पे टॉयलेट्स बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है ये हेल्प करेगा हमारी इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो उन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है इस आर्टिकल में। अब आपके लिए नेक्स्ट सवाल है कि बताइए कि वो जो नेम ऑफ द जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो कि फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी है जो कि यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है कुरुक्षेत्रा में हरियाणा में, तो उसका नाम क्या है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है श्री कुरुक्षेत्र आयुष यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पे आयुष की जो यहाँ पे पूरी मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है कि आयुष जो यहाँ पे जो हमारे पास हेरिटेज है उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास इस वक्त डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है, तो एज अ सप्लीमेंट हम इनको यहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं ऑन अ बेसिकली ब्रिज कोर्स और फिर इन्हें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं रूरल एरियाज में। अब बात करते हैं पेज वन पे बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पे जो अटैक हुआ है इट इज अ वर्स्ट टेरर अटैक इन द वैली। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 37 CRPF मेन जो है ये ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज पे उसी पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस नजर आएंगे। लेफ्ट साइड से देखते हैं यहाँ पे जो विटनेस है उन्होंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो ब्लास्ट था काफी ज्यादा जो है इतना खतरनाक था कि पूरा जो ग्राउंड है वो शूक करने लगा। एक और चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे जो राजनाथ सिंह जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने बोला है कि सैक्रिफाइसेस of our soldiers will not go in vain, मतलब वो जो है वो बदला लेकर रहेंगे क्योंकि ये जो अटैक है काफी ज्यादा कवर्डली अटैक है जो हमारी वैली में किया गया है। एक और चीज यहां पे बताया जा रहा है कि जैश जो मोहम्मद जो है ये जो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी ज्यादा प्रिवेलेंट होता जा रहा है हमारी कंट्री में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें लेने की जरूरत है ताकि हम इसे जो है कटेल कर सके हमारे पूरे कश्मीर एरिया से। एक और चीज अगर बात करेंगे यहां पे गवर्नर ऑफ यहां पे जम्मू कश्मीर जो कि सत्यपाल मलिक, तो उन्होंने यहां पे कमेंट किया है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे किसी भी टेररिस्ट अटैक में। तो इवन जो यहाँ पे 2611 हुआ था तो उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम थी कि हमारे पास इंटेलिजेंस आ रहा था लेकिन हम लोग जो है उसको यहाँ पे सही तरीके से एनालाइज करके बता नहीं पाए कि कब जो है ये अटैक होने वाला है। तो उसी तरीके से जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करता हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि नॉर्मल जो यहाँ पे लोग रहते हैं जैसे पुलिस हो सकती है वो नॉर्मल ग्राउंड पे भी वर्क करती है, तो उनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनसे वो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसी को एनालाइज करके पता लगाते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे अटैक हो सकता है, कहाँ पे जो है प्रोन एरियाज है, वल्नरेबल एरियाज को यहाँ पे डिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल गैदरिंग ऑफ जो है इंटेलिजेंस भी होती है कुछ जगहों पे, हम यहाँ पे बाकी कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनसे भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे बताइए वो कौन सा कैंपेन है जिसे एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके अंतर्गत यहाँ पे बात करें एम्पावरिंग वुमेन्स इन कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, फिर यहाँ पे प्रियदर्शनी 2019 है, फिर राष्ट्रीय महिला कोष 2019 और चौथा है स्वच्छ शक्ति 2019। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन का नाम था स्वच्छ शक्ति 2019, जिसके अंतर्गत पूरे कंट्री से यहाँ पे जो है एक वुमेन के जो पंचेस है जो सरपंच है तो उन सबको बुलाया गया था, यहाँ पे अवार्ड भी दिए गए थे स्वच्छ शक्ति 19 के अंतर्गत। अब यहाँ पे अगर पेज 7 पे जाएंगे तो हमने कल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया था कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशिंग की जो सर्विसेज है वो अभी भी इतनी ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, यहाँ पे टाइमली मैनर में वो नहीं पहुंच पाते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाती है वो अगर आग लग जाती है तो उसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। तो वो सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी, उसी के संदर्भ में आप यहाँ पे कंटेक्स दे सकते हैं। यहाँ पे जो करोलबाग होटल है वहाँ पे आग लग गई थी, तो उस पूरे होटल में यहाँ पे 10 रूम थे जिसमें कोई विंडो तक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जैसे प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जिन लोग पे अटैक हो जाता है तो उनको ये भी नहीं पता होता सर्वाइवर्स को कि कैसे जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं, तो इसी वजह से जो प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हमने कल डिस्कस किए, उसका कंटेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है कि विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज गोइंग टू होस्ट द थर्ड इंडो जर्मन एनवायरमेंट फोरम ऑन 13 फरवरी 2019। तो कहाँ पे ये होस्ट किया गया था, तो न्यू दिल्ली है आपके पास ऑप्शन, मुंबई है, बेंगलुरु है और कोची है। तो जो इंडो जर्मन एनवायरमेंट फोरम है इसे यहाँ पे होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। अब बात करेंगे पेज 11 पे, पेज 11 पे यहाँ पे बताया गया है जो पुलवामा अटैक किया था वो कैसा हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बात करेंगे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप पे, और यहाँ पे जो है पूरा कन्वॉय जा रहा था, कन्वॉय के आसपास जब जा रहे थे तो यहाँ पे जो है पूरा स्कॉर्पियो आया था जिसके अंदर यहाँ पे IEDs और जो एक्सप्लोजिव्स थे ऑलरेडी अवेलेबल थे, और उसने सही टाइम देख के जो है यहाँ पे उसने सीधा जो है हिट कर दिया इस पर्टिकुलर कन्वॉय को, और तब जाके जो है यहाँ पे शहीद हो गए हमारे ऑलमोस्ट 37 CRPF के जवान और कुछ जो है अभी भी इंजर्ड है। लेकिन अगर बात करेंगे ये पहली बार ऐसा अटैक नहीं हुआ हमारी वैली में, जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पे जो मैंने बाकी बताया जैसे कि उरी आर्मी बेस में जो अटैक हुआ था वो भी जो है यहाँ पे सेम तरीके से आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कवर्डली तरीके से अटैक हुआ था। फिर यहाँ पे CRPF कन्वॉय पे पहले भी अटैक हुआ था 2016 में, फिर आर्मी कन्वॉय पे अटैक किया था 2013 में, उसके बाद यहाँ पे एक कुल जो आर्मी कैंप पे भी अटैक किया गया था, फिर जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अटैक्स जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हमारी वैली के आसपास। लेकिन आपको समझना ये है कि इसे माना जा रहा है जो पुलवामा अटैक किया गया है ये पिछले 3 decades में काफी ज्यादा जो है कवर्डली अटैक किया गया है भाई जैश ए मोहम्मद जो कि एक टेररिस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करेंगे यहाँ पे विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द पब्लिकेशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया, जिसका नाम है इंडिया स्पेयर हेडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशन इन न्यू दिल्ली। तो ये जो है ये एक्चुअली लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हमारे जो टारगेट्स है नेशनल लेवल पे जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको रिन्यू करने की जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के हाथ में आ जाती है। अब बात करेंगे पेज 17 पे, पेज 17 पे न्यूज ये है कि राजाजी टाइगर रिजर्व यहाँ पे जो है पोचिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे कुछ यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे तो उनको भी यहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ लोकेटेड है, तो यह आपको मिलेगा उत्तराखंड में, ये काफी ज्यादा फेमस है अपने टाइगर्स के लिए, तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए जो राजाजी टाइगर रिजर्व है वो आपको मिलेगा उत्तराखंड में। अब बात करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की, वर्ल्ड न्यूज़ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो तालिबान है, आपको मैंने पिछले न्यूज़ में बताया था कि यहाँ पे यूएस और तालिबान बात कर रहा है नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि यूएस के जो ट्रूप्स है विड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है पूरी तरीके से विड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ आधे ही विड्रॉ करने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उसके साथ भी यहाँ पे अटैक हो रहे थे तालिबान पे, इसीलिए कहीं ना कहीं जो नेगोशिएशन वो हर्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे बात करें तालिबान जो है वो यूएस के साथ बात करेगा अलॉन्ग विद पाकिस्तान, और ये बातचीत शुरू होगी 18 फरवरी को। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि तालिबान के साथ इतनी बातचीत क्यों हो रही है, ये तो गवर्नमेंट भी नहीं है, तो आपको समझना है कि आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पे यहाँ पे जो प्रोमिनेंस है वो तालिबान का बढ़ चुका है, उनका जो कंट्रोल है वो इतना बढ़ गया है, इसी वजह से जो है तालिबान के साथ भी नेगोशिएशन करने की जरूरत पड़ रही है।
अब बात करेंगे नेम द एनुअल एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय इंडियन आर्मी एट डियोलाली कैंप इन नासिक, तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम क्या है। यहाँ पे चार ऑप्शंस है और जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सरसाइज टॉपची। इसके अंतर्गत जो है हम यहाँ पे अपने सर्विलेंस की कैपेबिलिटी, आर्टिलरी की जो यहाँ पे कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे दर्शाते हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। अब बात करते हैं पेज 18 यानी कि वर्ल्ड न्यूज में, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, लेफ्ट साइड से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो थेरेसा मे है पीएम यहाँ पे यूके की, तो उन्होंने यहाँ पे फिर से डिफीट देखी है उनका, यहाँ पे पूरा जो यूरोपियन यूनियन से डिवर्स की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है अभी भी यहाँ पे जो है सैंक्शन नहीं हो पाया है उनके पार्लियामेंट में। अब राइट साइड पे एक और आर्टिकल जो है ये बेसिकली वेनेजुएला से रिलेटेड है, तो यहाँ के जो इंटरिम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं जिनका नाम है जुआन गाइडो, तो इनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आधे से ज्यादा जो उनकी कंट्री है कि इनको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो पॉपुलेशन वो खुश नहीं है निकोलस मदुरो से जो कि इनसे पहले प्रेसिडेंट थे और अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बने हुए हैं जुआन गाइडो। अब राइट साइड पे जो आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूएस के हाउस में यहाँ पे वोटिंग हुई थी जिसके अंदर बोला गया है कि सऊदी को जो सपोर्ट दिया जा रहा था यहाँ पे इकोनॉमिकली ताकि यमन में वॉर लड़ सके, तो उसे विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। काफी अच्छी बात है। अगर आपको यमन वॉर के बारे में और जाना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसके अंतर्गत मैंने उसका नाम है दिसंबर के 2018 में इंटरनेशनल रिलेशन का जो वीडियो है उसमें जो है यमन का वॉर को हमने कवर किया हुआ है। अब बात करते हैं इकोनॉमी पेज की। इकोनॉमी पेज पे राइट साइड पे जो आर्टिकल आया यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एक्सपोर्ट कमेटी बनाई थी जिसके अंतर्गत बताया जा रहा था कि क्या होनी चाहिए मंथली नेशनल मिनिमम वेज, मतलब अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो कितना है जो मिनिमम आपको कमाने की जरूरत है। इसमें दो चीजें होती हैं कि अगर आपको मिनिमम वेज डिसाइड करनी है तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर बात करेंगे कि अगर मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं तो मिनिमम लिविंग वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट फ्रेज रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर जो एक्सपर्ट कमेटी वो बता रही है समवेयर अराउंड 9750 की जरूरत पड़ेगी मंथली बेसिस पे, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो रीजन के हिसाब से समवेयर वेरी करेगा 8000 से 11000 के आसपास, क्योंकि अगर आप किसी सिटी में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो एक्सपेंडिचर आपको खर्च करना पड़ेगा तो वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो आर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज ज्यादा जो कंपनीज है जो एम्प्लॉयज है अगर वो अपना यहाँ पे अगर कोई भी सॉफ्टवेयर जो अपडेटेड यूज नहीं कर पाते हैं या फिर अगर वो इतने अगर वो केयरलेस रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है साइबर सिक्योरिटी जो वो हर्ट हो जाती है, उस पे जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु विल टेक ओवर एज अ चेयर ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन 2020 आफ्टर इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एलसीसी टर्म्स एंड, मतलब यहाँ पे जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है जिन्होंने अभी चेयर ले रखी है अफ्रीकन यूनियन की, जब वो यहाँ से हट जाएंगे तो कौन है जो यहाँ पे चेयर करेगा अफ्रीकन यूनियन को, तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, तो इसे जो चेयर करेंगे वो करेंगे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामफोसा जो कि यहाँ पे हमारी कंट्री में चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे परेड के लिए। तो कहीं ना कहीं आप समझ लें कि अफ्रीकन यूनियन में प्रोमिनेंस बढ़ाने के लिए हमने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के साथ नए नेगोशिएशन की शुरुआत की है। यहाँ पे बात करेंगे अफ्रीकन यूनियन की। अफ्रीकन यूनियन आप यहाँ पे देख सकते हैं समवेयर अराउंड 55 कंट्रीज को यहाँ पे अपहोल्ड करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा इथियोपिया में, इथियोपिया कैपिटल जो है वो है अडिस अबाबा और यहाँ के जो फाउंडर है उनका नाम है मुअम्मर अल गफी और उसको फाउंड किया गया था समवेयर अराउंड 2002 जुलाई 9 को। अब यहाँ पे बात करेंगे पेज 19 पे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यूएस के सेक्रेटरी है कॉमर्स के तो विल्बुर रॉस, तो उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था इंडिया पे। अब यहाँ पे उन्होंने बातचीत की है, भले हमने जो ट्रेड रिलेशन में इतने अच्छे नहीं है लेकिन यहाँ पे बात करें कि नई नई चीज़ों में कोलैबोरेशन शुरू करेंगे। इवन एडिटोरियल पेज पे हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया और जो यूएस है यहाँ पे एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहता है यूएस की तरफ से वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, कि अगर आप इसको यहाँ पे जो है ठीक से वॉलेट या फिर वॉलेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यूएस इतना ज्यादा खुश नहीं होता है किसी भी कंट्री के साथ, इसी वजह से वो चाइना पे बार बार इल्जाम लगाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये जो है हनन कर रहा है। अब बात करते हैं एक्सप्लेन पेज पे यानी कि पेज 22 पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मिशन की जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन। तो ये जो मिशन था ये मार्स पे एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया था, तो इसको जो है यहाँ पे खत्म करने की बात कर रहा है नासा। तो यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर जो मिशन है इसमें बहुत सारी चीजें की गई थी जिसके अंतर्गत यहाँ पे कोशिश की थी कि कहाँ पे हम पानी ढूंढ सकते हैं मार्स में, उसके बाद यहाँ पे सर्वे किया गया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, इमेजेस है जो कि यहाँ पे कलेक्ट किए गए मार्स में। अब एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे दिल्ली और सेंटर के बीच में, यहाँ पे जो हमेशा टसल रहती है। तो यहाँ पे अगर पिछले साल जुलाई के मंथ में बात करेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उन्होंने यहाँ पे बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो कंकरेंस होती है कि जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में जो यहाँ पे हेड है कैबिनेट और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है और उनके बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कंकरेंस की जरूरत नहीं है सिर्फ तीन मैटर्स पे, एक है लैंड, एक है होम और एक पब्लिक ऑर्डर। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के दो जज की बेंच बैठी थी तो उन्होंने यहाँ पे और क्लैरिटी दी है बाकी इश्यूज पे, जैसे
यहाँ पे सर्विसेज का इश्यू है कि सर्विसेज जो है एंट्री 14 ऑफ लिस्ट ऑफ 2 और 17 शेड्यूल में जो आता है वो जो है यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में नहीं आता है। मतलब अगर एक बार जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स है उनको यहाँ पे भेज दिया जाता है तो उनका जो ट्रांसफर है ये बेसिकली जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी जो रैंक है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर है तो यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो यहाँ पे एलजी करेंगे, लेकिन उसके नीचे के जो है वो बेसिकली सेंट्रल जो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट है वो कर सकता है, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके साथ साथ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एंटी करप्शन ब्रांच जो बनाई गई है तो इसके पास इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं होगा अगेंस्ट दी सेंट्रल ऑफिसर्स के लिए। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर ऐसा पावर आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पे एक अटैक कर सकता है। एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसके अंतर्गत यहाँ पे आप एक जो इंक्वायरी सेटअप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड COI मतलब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। तो ये जो पावर है दिल्ली की गवर्नमेंट को दी गई है। एक और बात बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 के अंतर्गत यहाँ पे जो है ये किसी भी इस कमीशन को पूछ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो या नहीं है। एक और चीज बताई जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे इंस्टीट्यूट करना है तो यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है विद रिकमेंडेशन फ्रॉम दी एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। तो पूरी कोशिश यहाँ पे बताई जा रही है ये कर रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट और यहाँ पे सेंटर के बीच में एक नेक्सस बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या लिखा गया है कि यहाँ पे अगर बात करें जॉइंट सेक्रेटरी ऊपर तो यहाँ पे जो है एलजी ही ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उससे नीचे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे जो दिल्ली है वो भी कर सकता है। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ACB यानी कि जो एंटी करप्शन ब्रांच है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप बात करें यहाँ पे कि आपका यहाँ पे COI को अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट करना है तो वो आप कर सकते हैं, और अगर बात करें यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तो यहाँ पे LG की कंकरेंस के साथ आप इसे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंड पेज पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आया है कि जैश ए मोहम्मद जिन्होंने यहाँ पे क्लेम किया है कि यहाँ पे जो पुलवामा का अटैक हुआ है तो उन्होंने किया है, तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टेररिस्ट जिनका नाम है मसूद अजहर को हम कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन चाइना जो है हर बार ये जो है इसे ब्लॉक करता जा रहा है। ये मास्टर माइंड है बहुत सारी चीज़ों के यानी कि 2611 के मास्टर माइंड रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं हमने चाइना के साथ जब वुहान समिट की थी तो वहाँ पे जो पूरी कॉम्प्रोमाइज ये करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो अजहर को यहाँ पे जो बनाने की ग्लोबल लेवल पर बनाने की कोशिश करें तो उसको ब्लॉक ना करें, ऐसा चाइना को हमने बार बार बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे हैं इसी वजह से जो है बार बार जो ब्लॉक कर देते हैं कि हम इसे ग्लोबल टेररिस्ट यहां पे घोषित करना चाहते हैं जब भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि वेयर डिड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल हैज कमीशन द फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा जो कि फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।